दोस्तों, हम आ चुके हैं आज जापानी गार्डन। चंडीगढ़ के 31 सेक्टर में है जापानी गार्डन, जो बनाया गया है पूरी जापानी पद्धति के अनुसार, और पूरे डिज़ाइंस जो हैं वो जापानी सभ्यता के जैसे हैं। ये अपने आप में एक यूनिक गार्डन है। तो चलिए हम चलते हैं इस जापानी गार्डन के अंदर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। चलिए दोस्तों, चलते हैं जापानी गार्डन के अंदर। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं जापानी गार्डन के अंदर, और गार्डन के अंदर स्वागत कर रहा है हमारा ये स्टैच्यू। ये है इसका पगोड़ा स्टाइल का गेट। जापानी सभ्यता में ये पगोड़ा गेट की एक अलग ही खासियत है। और ये हम आ चुके हैं जापानी इस गार्डन के अंदर, जिसके अंदर हैं ढेर सारे झूले। बहुत ही गजब के डिजाइन्स हैं अंदर के, और उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा दिखाई प्रतीत हो रहा है। और ये देखिए, जलाशय है, पानी नहीं है इसमें। ये देखिए एक और स्टैच्यू। दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अभी तक जैसा भी दिखाई दिया है, कुछ अलग है, बढ़िया सा है, शानदार है। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा है। देखिए, बच्चों के साथ आए या कपल आए, यू कैन एंजॉय अ लॉट। और ये देख रहे हैं आप स्टैच्यू मगरमच्छ का, बड़ी मछली को मुँह में दबाए हुए। बच्चों के साथ आप इस जगह पर एंजॉय कर सकते हैं। क्या शानदार डिज़ाइन है, देखिए आप। और अब ये है गेट और शानदार स्टैच्यूज और ये पगोड़ा वाला डिज़ाइन। और यही है पूरा जापानीज गार्डन। वाह। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एकदम सेंटर में, और यही है पूरा जापानीज गार्डन। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा है। फोटोग्राफी के लिए, शूटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, और चंडीगढ़ में अपने आप में एक अद्भुत कला का संगम है। एक बार ज़रूर विज़िट करने वाली जगह है। चार फ्लोर वाली बिल्डिंग, पगोड़ा स्टाइल की जापानीज गार्डन की मेडिटेशन हॉल। दोस्तों, जापानी गार्डन चंडीगढ़ में आने के लिए आपको आना पड़ेगा 31 सेक्टर में। 31 बी में आपको ये जापानी गार्डन मिलेगा। तो चंडीगढ़ जब भी आएँ, थोड़ा सा समय इस जापानी गार्डन के लिए ज़रूर निकालें, बिकॉज आप चाहे फैमिली के साथ आएँ या बच्चों के साथ, या आप हस्बैंड वाइफ आएँ, आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो घूमिएगा ज़रूर। नमस्कार।